पुलिस स्टेशन वाथोड़ा में 13 तारीख के अर्ली मॉर्निंग के समय एक 514/2024 ये गुना दाखिल हुआ है अंडर सेक्शन 310(2), 352, 351 कोड कलम 2 VNS। इसमें प्रकरण ऐसा हुआ कि एक रिपीट ऑफेंडर नाम आरिफ ये फिरियादी बन के पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दिया है कि उससे दूसरे ग्रुप ऑफ रिपीट ऑफेंडर्स ने पैसे का डिमांड किया कुछ शस्त्र हथियार का धाक दिखा के। तो ये कंप्लेंट हमने लिया एंड इसमें पुलिस स्टेशन वाथोड़ा के DB टीम ने तुरंत एक्शन मोड में जाके कुछ आरोपी को कस्टडी में लिया है जिसका नाम कंप्लेनेंट ने दिया और जिसका नाम वो दे नहीं पाया उसको भी डिटेक्ट करके हुलिया बताने पर कस्टडी में लिया। उसने फिरियादी ने कंफर्म किया कि वो भी था प्रेजेंट। ऐसे 5 लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट आया था उसमें से एक अफसर नाम का आरोपी अभी फरार है और 3 Zone 4 का 2 DBT एक स्टेशन वाथोड़ा का और एक नंदनवन स्टेशन का दोनों उसके परस्यूट में है और वो जल्दी मिल जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे ये पता चला कि जो गाड़ी यूज़ किया वो डिटेक्ट करके जो गाड़ी में पांचों आरोपी आके कंप्लेनेंट को धमकी दिया वो गाड़ी डिटेक्ट किया वो वरना गाड़ी है और उसको जैसे ही जब्त किया प्रॉम्प्टली DB टीम ने उसमें से शस्त्र मिले एंड एक लाइव राउंड गाड़ी के सीट कवर में मिला और एक राउंड पिस्टल में मिला। ऐसे हमको 3 फायर आर्म्स एंड 2 शार्प पॉइंटेड नाइफ वेपन्स मिले हैं विथ 2 राउंड्स, एक राउंड गाड़ी के सीट कवर में एंड एक राउंड इनसाइड द बैरल ऑफ 1 फायर आर्म। राइट, सो ये क्राइम में जो फिरियादी है वो भी एक रिपीट ऑफेंडर है और जो 5 आरोपी है उसमें से 3 हमारे ही जोन के ऑन रिकॉर्ड रिपीट ऑफेंडर से, एक मोस्ट प्रोबेबली वर्धा का एरिया का रिपीट ऑफेंडर है उसका रिकॉर्ड अभी हम चेक कर रहे हैं एंड एक 5th आरोपी भी है सुजीत नाम का, वो उसका कोई अभी तक रिकॉर्ड मिला नहीं है। इसमें जो रिपीट ऑफेंडर्स है उनका प्रीवियस कनेक्शन विथ फिरियादी ऐसा है कि ये एक ही जेल में रह चुके हैं प्रीवियसली। फॉर एग्जांपल कुणाल हिमने ये अपने फिरियादी आरिफ के साथ 2019 का एक मर्डर केस में रहा था जेल में साथ में, उस केस का उसका को अक्यूज्ड भी रहा था। सो उनका प्रीवियस एसोसिएशन ये है और कंप्लेंट के हिसाब से उस मर्डर केस में जो सुपारी रिलेटेड पैसा है वो डिमांड करने आया है ऐसा फिरियादी का कहना है, बट दिस इज़ करेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअल डिमांड किस चीज़ के लिए है ये हम जो टेक्निकल एविडेंस हमने गैदर किया है और जो हमको अभी पुलिस कस्टडी मिला है जस्ट अभी ऑफ अ फ्यू डेज, उसमें इंटरोगेशन के थ्रू हम ज़रूर टेक्निकल एविडेंस एंड इंटरोगेशन के एविडेंस दोनों कोराबोरेट करके कंक्लूड करेंगे कि एग्जैक्टली इनका क्या लेना देना था, पैसों का डिमांड का क्या रूट रीज़न था, ये पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन में पता करेंगे।